नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है दो मुंह वाली चिड़िया। एक जंगल था, उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, पर अजीब बात यह थी कि उसके दो मुंह थे। उसने पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। वो रोज खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर जाती, खाना खाती और फिर उसी घोंसले में आराम करती। एक दिन चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी, तभी दाएं मुंह को एक सुंदर सा फल नजर आया और उसको खाने के लिए वो दौड़ पड़ी। दाया मुंह फल बड़े मजे से खा रहा था और शायद वो मस्ती में भूल ही गया कि एक और मुंह है उसके पास। बाया मुंह इंतजार करता रहा कि शायद अब वो बोलेगा कि तू भी कुछ खा ले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद बाएं मुंह ने खुद ही पूछा कि मुझे भी थोड़ा खाने के लिए दे दे। तो दाएं मुंह ने कहा, चुप कर, पेट तो आखिर हमारा एक ही है, मैं खाऊं चाहे तू खाए, जाना तो एक ही जगह है। ऐसा बोलकर दाएं मुंह खाता रहा। फिर दूसरा दिन फिर चिड़िया जो है खाने की तलाश में जंगल में उड़ रही थी। इस बार बाएं मुंह को एक चमकता हुआ अद्भुत सा फल नजर आया और वो जल्दी से उसको खाने के लिए दौड़ पड़ी। वहीं पास में बैठा एक कौवा वो ये सब देख रहा था। उसने चिड़िया को चेतावनी दी कि ये फल जहरीला है, इसे मत खाना, और दाएं मुंह ने भी बाएं मुंह को समझाया, पर बाएं मुंह तो बदले के मूड में था, उसको तो बदला लेना था, तो उसने किसी की नहीं सुनी और वो खाने में लग गया। फिर हुआ गया कि थोड़ी देर में ही चिड़िया की मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ, हम सब की फैमिली भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग आज के टाइम में ऐसा माहौल हो गया है कि एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, बदला लेना चाहते हैं, पर सच ये है कि अगर फैमिली में एक भी बंदा या एक भी ऐसा इंसान कोई भी गलती करता है या किसी से बदला लेने की कोशिश करता है या ईर्ष्या की भावना रखता है, तो उससे नुकसान परिवार के सभी सदस्यों को होता है, सिर्फ एक को नहीं। इसलिए प्रेम से रहना सीखिए, ईर्ष्या में क्या रखा है। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। आई होप कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार।